एक ऐसी गन है डेजर्ट ईगल की, जो कि यार ये गन ना अभी तक बहुत सारे बंदे चला चला के ना बहुत सारे बंदे लोगों को या फिर एनिमी लोगों को बोल दिया जाए खत्म कर चुके। ये वीडियो को तुम लोग को लास्ट तक देखना ही होगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग एनिमी को नहीं पूरी स्क्वाड को ही खत्म करना स्टार्ट कर दोगे। अब देखो यहाँ पर बात यह आती है कि यहाँ पे ना अपने गेम के अंदर फ्री फायर के अंदर दो टाइप के एनिमी पाए जाते हैं। पहला वो एनिमी जो कि डेजर्ट ईगल से मार खाने के बाद भी ना वो बंदे कभी भी ट्राई नहीं करते कि बंदा कौन सी गन से मार रहा है हम लोगों को और इतना बेहतरीन तरीके से कैसे खेल रहा है। दूसरा वो एनिमी जो कि डेजर्ट ईगल से इतनी बार मार खाते हैं उनको पश्चाताप बहुत ज्यादा होता है कि यार ये बंदा कौन सी गन से मार रहा है, अब हमें भी इसका बदला लेना है। तो वो बंदे चले आते हैं यूट्यूब पे एंड वो बंदे पता है कौन है बताऊंगा। अब देखो तुम लोग एकदम सही जगह पे आए हो, क्योंकि ये वीडियो क्लिक करने का मतलब है तुम लोग डेजर्ट ईगल से एकदम खेलना, मतलब तुम लोग डेजर्ट ईगल से ऐसे खेलने लगोगे ना जैसे खिलौने खेलते हैं। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और एनिमी तो तुम लोग के बस का मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब एनिमी की तुम लोग इसे खुद ही देखने मान ही फटेगी बिना फायर किए ही कि तुम लोग इतना डेंजर लेवल का चलाने लगो। यस गाइस यार इस वीडियो को तुम लोग कहीं भी स्किप मत करना एंड जो लास्ट वाली ट्रिक है ना भाई वो ट्रिक तुम लोग को कहीं अनदर लेवल पे ही डेजर्ट ईगल के लेके जाएगी एंड ये ट्रिक को परफॉर्म करने के बाद मैं खुद एक अनदर लेवल पे ही पहुंच चुका हूं। यस गाइस यार वीडियो को तुम लोग कहीं भी स्किप मत करना एंड हां इस वीडियो के अंदर तुम लोग को डेजर्ट ईगल हेडशॉट ट्रिक ही नहीं इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को सेटिंग भी बताऊंगा। यस गाइस यार बढ़ते अपनी वीडियो की टॉपिक की तरफ, बट उससे पहले अगर तुम लोग चैनल पे नए हो यार ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को एक लाइक जरूर करना गाइस। तो बढ़ते यार अपनी वीडियो की टॉपिक की तरफ। अब देखो डेजर्ट ईगल एक ऐसी गन है ना जहाँ पे तुम लोग की एक्यूरेसी माइनस होना मतलब बहुत ही ज्यादा कम चांसेस होता है, क्योंकि डेजर्ट ईगल ही एक ऐसी गन लगती है मुझे जिसकी एक्यूरेसी मतलब बहुत ही पहले से ही मेंटेन होती है, क्योंकि ये बहुत ही कम रिकॉइल करती है एंड जो कि ये चीज मुझे पसंद आती है। एंड हाँ जो भी रिकॉइल होता है ना, अब बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि मेरा तो रिकॉइल होता है, तो ये तुम लोगों की मिस्टेक की वजह से ही होता है जिसकी वजह से तुम लोग को डेजर्ट ईगल रिकॉइल होता है या फिर बॉडी हेडशॉट जाता है। अब उसको बॉडी हेडशॉट तो नहीं बोलेंगे बाकी बॉडी शॉट जरूर बोल देंगे, इसकी वजह से बॉडी शॉट जाता है। अब जिसकी वजह से कई सारे बंदे ऐसे है ना क्योंकि फ्यूज रहते कि यार वो तो रिकॉइल हो रही है। अब देखो सबसे पहले तुम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि डेजर्ट ईगल रिकॉइल कैसे होती है, क्योंकि काफी सारे बंदे लोगों को पता ही नहीं होता कि ये रिकॉइल कैसे हो जाता है जिससे उनकी एक्यूरेसी मेंटेन ही नहीं रहती डेजर्ट ईगल की। अब देखो बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि उनका जो एनिमी होता है अगर लेफ्ट या राइट या फिर मूवमेंट करता रहता है तो ऐसे टाइम पे वो बंदे क्या करते हैं कि वो बंदे ना सीधा मतलब स्ट्रीट ड्रैग ही करते हैं, मतलब उन लोगों को ये मैटर नहीं करता कि एनिमी कौन से डायरेक्शन में या फिर कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो बंदा, उन लोगों को सीधा यही मतलब रहता है कि उनको एक स्ट्रीट ड्रैग ही करना है। हां क्योंकि उन लोगों को यही बताया ही गया है एंड अभी तक वो बंदे यही चीज को देखते हुए चले आ रहे। अब देखो यहीं से तुम लोग की मिस्टेक सबसे ज्यादा स्टार्ट होती है, जहां से तुम लोग का जो एम होता है पूरी तरीके से रिकॉइल होता है डेजर्ट ईगल, जिसकी वजह से तुम लोग का हेडशॉट नहीं लगता है। अब देखो अगर तुम लोग का एनिमी अगर मूवमेंट करता रहता है यानी कि लेफ्ट या राइट की तरफ लाइक कुछ इस तरीके से जाता रहता है तो उसी टाइम पे अगर तुम लोग स्ट्रीट ड्रैग का यूज करते हो तो पक्का है कि तुम लोग का हेडशॉट नहीं लगने वाला। एंड यही सेम चीज अगर मैं तुम लोग को यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाता हूँ, ये तुम लोग के सामने मतलब या तो बॉडी शॉट लगेगा या तो एम ही नहीं लगेगा एंड ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है तुम लोग। देखो सबसे पहले तुम लोग को यह समझना पड़ेगा कि डेजर्ट ईगल से परफॉर्म करने के लिए फिर हेडशॉट कनेक्ट करने के लिए हम लोग किस तरीके से ड्रैग करें जिससे एक परफेक्टली तरीके से हेडशॉट कनेक्ट हो। अब देखो अगर तुम लोगों का जो एनिमी होता है लाइक कुछ इस वाले डायरेक्शन में होता है यानी कि स्ट्रीट पोजीशन में होता है तो वैसे टाइम पे तुम लोग का स्ट्रीट ड्रैग बहुत ही परफेक्टली तरीके से वर्क करता है एंड इसका यही सेम रीजन है, अगर तुम लोग सीधी तरीके से ड्रैग करते हो तो तुम लोग का बहुत ही परफेक्टली तरीके से हेडशॉट कनेक्ट होता है क्योंकि वो बंदा स्ट्रीट पोजीशन में है तो ऐसे टाइम पे तुम लोग अपने फायर बटन को सीधा ही ड्रैग करना है। अब अगर तुम लोग का जो एनिमी होता है लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करते रहता है तो वैसे टाइम पे तुम लोग यहाँ पे दो चीजों का बहुत ही ज्यादा इजीली तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो एंड वो चीज है रोटेशन ड्रैग एंड उसके बाद जो इस डायरेक्शन में एनिमी होता है सामने वाला उस डायरेक्शन में तुम लोग अपने फायर बटन को मूव कर सकते हो। देखो रोटेशन ड्रैग को परफॉर्म करना ना जो होता है बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है मेरे हिसाब से, जहां तक कि डेजर्ट ईगल से रोटेशन ड्रैग परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है, इसको परफॉर्म करने के बाद बहुत ही इजीली तरीके से हेडशॉट कनेक्ट होता है। अब देखो अगर तुम लोग का बंदा लेफ्ट या राइट की तरफ होता है लाइक कुछ इस डायरेक्शन में, अब यहाँ पे ये जो बंदा है मेरा ये राइट की डायरेक्शन में, तो ऐसे टाइम पे मैं अपने फायर बटन को थोड़ा सा रोटेट करूंगा। बस तुम लोगों को इतना ध्यान रखना है कि तुम लोग का जो एनिमी होता है जिस डायरेक्शन में होता है उसके अपोजिट साइड में तुम लोग अपने फायर बटन को रोटेट करते हुए लेके जाना है। अब अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे मेरा जो एनिमी है राइट की तरफ है तो मैं अपने फायर बटन को राइट की तरफ से तो रोटेट कर रहा हूँ बट उसका जो डायरेक्शन है बाद में उसका डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ हो जा रहा है जिसकी वजह से बहुत ही परफेक्टली तरीके से हेडशॉट कनेक्ट होता है एंड इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है रोटेशन ड्रैग। अब देखो बहुत सारे बंदे इस चीज को भी नहीं समझ पाते कि फिर अगर बंदा शॉर्ट रेंज में होता है तो वैसे टाइम पे हम लोग क्या करें। अब देखो अगर तुम लोग का जो एनिमी होता है शॉर्ट रेंज में होता है तो वैसे टाइम पे अगर तुम लोग को बस एक ही चीज का करना है कि तुम लोग का उसका पोजीशन का ना ध्यान देते हुए तुम लोग अपने फायर बटन को एकदम फास्टली तरीके से रोटेट करना है। अब लाइक कुछ यहाँ पे देखोगे अगर ये क्लिप में तो यहाँ पे मुझे भी अगर ये बंदे का अगर मैं अंदाजा देखने जाऊंगा ये बंदा कौन से पोजीशन में है तो ऐसे टाइम पे वो बंदा मुझे एनिमी इजीली तरीके से मार देगा। तो ऐसे टाइम पे तुम लोग को यही टेक्निक का इस्तेमाल करना है कि तुम लोगों को एनिमी का डायरेक्शन ना देखते हुए तुम लोगों को अपने फायर बटन को रोटेट करना है और बहुत ही फास्टली तरीके से रोटेट करना जिससे बहुत ही इजीली तरीके से तुम लोग का हेडशॉट कनेक्ट होगा। अब देखो मैंने यहाँ पे तुम लोग को ये तो कवर कर दिया कि तुम लोग डेजर्ट ईगल से कैसे परफॉर्म कर सकते हो एंड अब बात यहाँ पे ये आती है अगर
तुम लोग का जो बंदा होता है अगर लॉन्ग रेंज में होता है, काफी सारे ऐसे बंदे हैं उनके फोन में, काफी सारे बंदे जो होते हैं ना लॉन्ग रेंज में होते हैं, तो वैसे टाइम पे जो उनका एम होता है ना स्टॉक होता है। अब इसका स्टॉक होने का मतलब क्या है? मतलब इसका मतलब ये कि ना उनका जो एम होता है ना बॉडी पे ही जाता है ना हेड पे जाता है, मतलब उनका पूरी तरीके से रिकॉइल ही हो जाता है एंड ना उनको डैमेज भी नहीं मिलता है यहाँ तक की एनिमी का। अब देखो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे ना तुम लोग को लो डिवाइस वाले, अब देखो तुम लोगों का अगर लो डिवाइस का फोन है एंड तुम लोग के साथ ऐसा होता है तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि तुम लोग अपने जो रेड डॉट होता है यानी कि तुम लोग 80 तक कर सकते हो, तो तुम लोग का बहुत ही ज्यादा चांसेस रहेगा कि एनिमी के ऊपर हेडशॉट इजीली तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। तो बस यार गाइस आज की वीडियो में इतना, आई होप गाइस यार कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं गाइस यार नेक्स्ट वीडियो में।